वेलकम बैक टू माय चैनल अमेरिकन लाइफ इन देसी स्टाइल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं हूं आपकी होस्ट सदफ रहमान, आप सबको करती हूं वेलकम। और आज कुछ नया होने वाला है मेरे किचन में। कल मेरा किचन तो नहीं है, आज मैं आई हुई अपने मैं के, तो यहाँ सबकी फरमाइश पे जो है मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो इन सबको पसंद है मेरे हाथ के गुलाब जामुन, सो मैंने सोचा कि ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो इस गुलाब जामुन की भी एक मिस्ट्री है जो कि आपको पार्ट बी में शायद देखने को मिले। तो चलें स्टार्ट करते हैं और इस दुआ के साथ स्टार्ट करती हूँ कि जो जो लोग पाकिस्तान में, यहाँ या दुनिया भर में जहाँ से भी और बीमार हैं, उन सबको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। मेरी अपनी फैमिली में बहुत लोग ऐसे हैं जो कोविड में मुब्तला हुए हैं, तो कुछ सर्वाइव कर पाए और कुछ नहीं, तो अल्लाह पाक जो है सबको अपने जमान में रखे, इंक्लूड अस। आमीन सुमा आमीन। और चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम शीरा बना रहे हैं एंड शीरे के लिए हम यहाँ लेंगे चीनी में 1.5 कप पानी लेंगे, लेकिन मैंने चिकन 4 कप लिया हुआ है तो मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, मैं उसी हिसाब से लूँगी। इसमें मैं 6 कप जो है पानी लूँगी और ये मेरे पास चीनी है। हम लोग चीनी जो है वो ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। इसे मेरे पास 3 कप चीनी है वो मैंने इसमें डाली। दस मैंने जो है इलायचियाँ थी, इलायची के दाने उनको खोल लिए थे, वो इसमें डालेंगे और इसको डिजॉल्व करते हैं हल्की आंच पर रख के। पक रहा है। अगर आप वाइट वाली शुगर यूज़ कर रहे हैं तो समटाइम्स जो है उस शुगर के ऊपर गंद आ जाता है, तो आप उसको हटा दें। वैसे हमारे इसमें तो कुछ ऐसा नहीं आया है, तो हमारा बिल्कुल क्लियर है। और मैंने जर्दे का रंग निकाला था थोड़ा सा एक चुटकी डालने के लिए, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि हमारे ऑर्गेनिक शुगर है शुगर कैन की, तो उसका कलर ही ऐसा होता है, तो हमें इसमें जर्दे का रंग डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ऑप्शनल है कि आप इसमें एक चुटकी जर्दे का रंग डाल सकते हैं। और इसको पकाइए, स्लो आँच पर यह पक रहा है वहीं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? मैं बना रही हूँ, वैसे सबका अपना अपना स्टाइल है, पर जो मैं जिस अंदाज में बनाती हूँ तो मैं आपको अपनी रेसिपी दे रही हूँ। ओके सर, गुलाब जामुन बनाने के लिए बेसिकली आपकी क्वांटिटी को जो है ज़्यादा नज़र में रखना होता है। तो जनाब मेरे पास यहाँ सूखा दूध है, इसे हम मेजर करते हैं और मैं बना रही हूँ 4 कप की। ठीक है, तो मैंने लिया है इसमें इस तरह मेजर करके, बिल्कुल मतलब बहुत ओवरलोड नहीं और बहुत कम नहीं, बिल्कुल मेजर करके 1 कप जो है, मैं तो 4 कप्स की बना रही हूँ। 4 कप पाउडर मिल्क, 4 कप्स जो है बिल्कुल मेजर करके जो है मिल्क पाउडर लिया है। और अब इसमें मैं ऑल पर्पज फ्लोर डालूंगी, आपके पास मैं दो आप वो भी डाल सकते हैं। सो इसकी जो क्वांटिटी है वो है 1 कप में 2 टेबलस्पून भर के, मतलब हीप 2 टेबलस्पून भर के जो है हम ऑल पर्पज फ्लोर या मैदा जो है वो यूज करेंगे। सो हीप बिल्कुल भर के, सी जैसे आप देख रहे हैं ये 1 कप में 2 टेबलस्पून। तो मैंने 4 लिया है जैसा कि, तो मैं इसमें 8 डालूंगी। बेकिंग पाउडर डालेंगे और बेकिंग पाउडर जो है वो हम 1 टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो है वो हम इसमें डालेंगे, लेकिन वो भी काट के, बहुत ज्यादा लाइक हीप करके नहीं, कम करके ही डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें जो है हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। डोंट यूज बेकिंग सोडा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से काट के यूज करूंगी। ये देख लीजिए, बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, इससे कम है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा और 1 टीस्पून से कम। सही है, ये मैं इसमें डालूंगी 4। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम मिक्स कर लेते हैं ड्राई को अच्छे से, ताकि ये सब मिक्स हो जाए और फिर हम इसमें अपना वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। घी डलेगा और अंडे डलेंगे। ओके, तो ये मैंने सब चीजें मिक्स कर ली और अब इसमें जो है मेल्टेड घी लिया है 1 कप में 1 टेबल स्पून भर के जो है हम घी डालेंगे। तो मैंने 4 कप लिए, तो मैं 4 टेबल स्पून घी डालूंगी।
मेल्टेड मेल्ट कर लीजिए इसको पहले। हर रूम टेम्परेचर पे जो है अंडे हैं, एक कप में एक अंडा, तो मेरे एज यूजुअल 4 कप है, तो हम 4 एग यूज करेंगे। सो अब है इसकी नीडिंग और अब हम इसे गूंदेंगे और गूंद के जो है इसका लॉक बना लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इसको गूंदना नहीं है। जैसे हम वो आटे में वो लगाते ना मुक्कियां शुक्कियां, वो नहीं लगानी है इसमें, वरना आपकी गुलाब जामुन जो है वो हार्ड हो जाएगी। सो ठीक है, और आप देखें कि मैं किस तरीके से हाथों को यूज़ कर रही हूँ, बस फिंगर्स को। इसका लॉक बनाइए इसके साथ, ये देखिए जैसे ये बन रहा है मेरा लॉक, देख रही हैं? ओके, ये एक लॉक मैंने जो है रेडी कर दिया है और दूसरा जो है मैं आपके सामने रेडी करूंगी। आप जो है इसके लिए कटिंग बोर्ड यूज कर सकते हैं ताकि ईजिली हो जाए, और मेरे पास क्वान्टिटी भी ज़्यादा थी, वैसे छोटी क्वांटिटी होती है तो मैं इसको आराम से बॉल में भी कर लेती हूँ। इसको इस तरीके से दबा के आप देख रहे हैं कि लॉक की इसको शक्ल देनी और ये खुद ही चिकना हो जाएगा। दैट्स इट, हम दिखाते हैं गुलाब जामुन बना के। ये देखिए, उप्स मैंने ये साइज लिया है, ठीक है, इतना लिया है, आपकी मर्जी, आप इसको छोटा करें बड़ा करें, जो साइज आप लेना चाहें। मैंने एक नॉर्मल साइज लिया है इसका, और इस तरह पहले इसको अपनी फिंगर से देख दबाएंगे, खेल लीजिए एंड देन जब आपको लगे कि यस ये एक सॉलिड उसमें हो गया है, एक जान हुई भी है, मतलब बॉल की तरह, तो अपने पाम्स में लेके जो हाथ की हथेली है उससे आप इसको हल्का हल्का रोल करिए लाइक दैट, ताकि ये बॉल, इसको प्रेस नहीं करिएगा, बिल्कुल लाइट लाइट हल्के बिल्कुल हाथ से, और ताकि गोल शेप आ जाए, और मेक श्योर कि इसमें कोई क्रैक ना हो। अगर इसमें क्रैक हुआ सो दैट इज द साइन कि आपकी गुलाब जामुन जो है वो फट सकती है, फ्राई होते हुए फट सकती है। सी, तो मैं बनाती हूँ, तैयार करती हूँ। ओके, तो यहाँ ये पक रही है, ऑलमोस्ट जो है हमारा शीरा रेडी है। इसमें मैं लेमन जूस डालूंगी, हाफ लेमन का। लेमन से ये होता है कि जो उसकी इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं आ पाती है, जैसे चीनी जमने लगती है तो क्रिस्टल नहीं होता है। आप जो है चंद कतरे लेमन के डाल दीजिएगा, हमारी क्वांटिटी ज़्यादा इसलिए हम हाफ लेमन डाल रहे हैं। जूस लेमन का सिर्फ जूस डालना है। शीरा देखिए हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इसको बिल्कुल सिमर पर रख दिया कि ये हल्का हल्का सा पकता रहे। शीरा मेरा रेडी है और पैन में ऑयल ले लिया है और मीडियम लो फ्लेम पर, ठीक है, ऑयल मेरा रेडी होता है, मैं आपको शीरा फिर दिखाती हूँ। देख रहे हैं ये तार आ रहा है इसका। ये आप देख रहे हैं बबल्स उठने लगे, दैट मीन्स कि मेरा ऑयल रेडी है। घुमाती जाएं, आपको जितना डार्क कलर लेना है जैसा लेना है, इनको डुबोती जाएं तेल में, ये पुदक पुदक के ऊपर आती रहेंगी, फिर दबाएं, लेकिन जरा जाना लगा दीजिएगा, ऐसा ना हो वहीं मैश हो जाए। दैट्स इट, आपको जैसा कलर इनका चाहिए चारों तरफ से इक्वल कलर ले लीजिए और इसको फिर शीरे में डाल दीजिए।
10 मिनट्स हो गए इनको शीरे में टिपके हुए। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट बैच है जिसे शीरे में जाना है। ओके जनाब, तो गुलाब जामुन हो गई है रेडी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको प्लीज़ ट्राई करिएगा गुलाब जामुन की रेसिपी के, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मैंने शुरू में आपसे एक बात कही थी जब मैंने स्टार्ट करी थी कि इसके पीछे एक मिस्ट्री है, जो कि मैंने पूरा थाल बना डाला लुक। तो इसके पीछे मिस्ट्री है, और मिस्ट्री ये है कि आज हम करने वाले हैं होममेड गुलाब जामुन का चैलेंज, तो जो कि आपको देखने को मिलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलती हूँ, इंशाल्लाह दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में इस दुआ के साथ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते रहो। ओके, अल्लाह हाफिज़।